हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने व्हाट्सएप पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपकी आपकी जो चैट है वो सब कोई आसानी से दे सकता है। तो इसलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड भी आप आसानी से लगा सकते हैं। फिंगर लगाएंगे सेंसर में और ये आपका लॉक हो जाएगा और अनलॉक भी ऐसे ही होगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगाते हैं। तो चलिए, मैंने ये व्हाट्सएप खोला है, देखिए। और मैं ये जो राइट हैंड साइड पे थ्री डॉट्स है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और इसमें सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिए, नीचे अकाउंट्स है, नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको, अकाउंट में क्लिक करिए। अब आप इसमें देखिए प्राइवेसी पर क्लिक करिए और इसमें आप फिर नीचे आइए, लास्ट में देखिए फिंगरप्रिंट लॉक, इसमें आप क्लिक करिए। और इसके बाद देखिए ये अनलॉक फिंगरप्रिंट, तो इसमें आप क्लिक करिए। और देखिए ये आपको फिंगर के लिए बोल रहा है, आप इसमें अपने सेंसर में फिंगर लगाइए। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये तीन ऑप्शन आ गए। इसमें दिखा रहा है देखिए ऑटोमेटिक लॉक इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट आफ्टर 30 सेकेंड्स, एकदम से आप जैसे बंद करना चाहते हैं या 1 मिनट के बाद आप चाहे कि मेरा लॉक हो जाए व्हाट्सएप, या फिर आप 30 मिनट्स बाद आप लॉक करना चाहें। तो जैसे मैं इमीडिएट करता हूँ इस समय, और मैं इसको और मैं बैग जाता हूँ। तो अब देखिए मैं पूरा बैग जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार इसे फिंगरप्रिंट करके, देखिए बाहर आ गया। अब मैं देखिए दोबारा लॉगिन करता हूँ इसमें, मैंने लेकिन फ्रेंड इसमें आपको पहले अपना आपका पासवर्ड होना चाहिए, जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड आप डालते हैं अपने फ़ोन में वो ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये वाली आपका व्हाट्सएप वाला भी काम नहीं करेगा। तो देखिए खुल गया है, मैं आपको एक बार दोबारा बंद कर, देखिए ये मैं बंद किया, अब मैं इसको दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए फिंगरप्रिंट मांगा है इसने, मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, तो ये देखिए आसानी से खुल गया। और आपकी कोई व्हाट्सएप की चैट कोई पढ़ भी नहीं पाएगा और उसको कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे ही आपको अगर ये सिक्योरिटी हटानी है इसमें, तो ऐसे ही आप बैक जाइए, यहाँ पर जाइए सेटिंग्स में, और फिर आप जैसे अकाउंट्स पहले गए थे अकाउंट्स में जाइए। अकाउंट्स में जाने के बाद प्राइवेसी, और इसमें आप नीचे आइए, फिर अब इसमें देखिए फिंगर लॉक को आप यहाँ से अनलॉक फिंगरप्रिंट से आप डिसेबल कर दीजिए। अब ये आपका फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब आप सिंपल में ऑफ दिखाता हूँ, अब कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, मैं बंद करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो कोई पासवर्ड नहीं मांगा। तो देखिए अब मैं आपको एक दूसरा वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, जिसमें आप मतलब आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है तो आप उसे पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं पासवर्ड डाल दिखा रहा हूँ आपको, कि मैंने व्हाट्सएप खोला और फिर वहीं पर मैं राइट हैंड साइड पे थ्री डॉट्स पे गया और फिर मैं सेटिंग्स पे गया, और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स में जाने के बाद आप देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ देखिए, और नीचे इनेबल का ऑप्शन है, मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड मांग गया। मैंने क्लिक किया, देखिए अब देखिए 6 डिजिट का पासवर्ड बोल रहा है, मैं इसमें डालता हूँ, मैंने सिंपल एक पासवर्ड डाल दिया 12356। अब इसमें मैं कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछ रहा है, ये आप ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आपकी ईमेल आईडी है, और नेक्स्ट ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिए, सेव, डन। अब आप इसमें फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़ोन है जिसमें आपके पास फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो ये देखिए मैंने ओपन किया है अपना व्हाट्सएप, तो ये देखिए इसने पासवर्ड मांगा है, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ इसमें, तो ये देखिए सारी चैट्स मेरी ओपन हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी आपको डिसेबल करना है तो आप कैसे करेंगे। मैं दोबारा देखिए सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स टू स्टेप वेरिफिकेशन, और यहाँ पर डिसेबल मैं कर देता हूँ, तो मेरा पासवर्ड और ऑप्शन डिसेबल हो गया, अब वो नॉर्मल की तरह कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये देखिए ये फिर से आसानी से ओपन हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।